मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट घन घोर करे चहू और मारू मा मन मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे
भगवान भोलेनाथ शिव के लिए शिव के दरबार में यहाँ बन्ना के दरबार में बैठे हो और भोले बाबा को याद न करें। सोमनाथ से महादेव आएगा, यहाँ एकलिंग जी आएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग आज यहाँ, और मेरे महादेव महादेव के लिए तो कहा जाता है भगवान की ताकत क्या है, शिव की ताकत क्या है, तीनों लोगों में उनकी चल फिर भी वो चलाना नहीं चाहता, ये दुनिया चलाना चाहता है, दादागिरी क्यों चलाना नहीं चाहता। मांगे भोलियो सब कुछ मिलता है, लेकिन जब देव और दानवों ने सबके मिलने मंथन किया, समुद्र मंथन किया, 14 रत्नों निकले तो लक्ष्मी को भगवान विष्णु अपने घर ले गए, ऐरावत आता इंद्र ले गया, कोई ये ले गया, कोई ये ले गया, देवो मिलके अमृत लिया। बाद में सब कुछ जो अच्छा लगा वो सब स्वार्थी देव ले गए, और जब काल नाम का जहर निकला तो सब भागे, करे भागो ये तो मार डालेगा। अरे भाई अमृत पीने पिया है तो मारने की बात, डर क्या, फिर भी डर गए। भगवान भोले बाबा के पास गए, अरे बाबा जी बचा लो, क्या हुआ, अरे ये तो हमने, आप सोए सोए रहते हो, दुनिया का क्या नष्ट हो जाएगी, दुनिया ऐसा है तैसा है बोलने लगे, अरे भाई मैं सोया हूँ उसमें दुनिया का पतन हो रहा है कि आप जाग गए, इसलिए सोया हुआ आदमी कुछ कर सकता है ना, ये जाग, आप सब जाग गए, मिल गए, क्या है नतीजा तो बताओ, ये काल नाम का जहर निकला है तो क्या है कि वो पी जाओ, कर मैं क्यों बाबा पी, एक ही निकला समुद्र मंथन में कि नहीं नहीं 14 रुद्र लेके वो कहां गए, कि सबको चाहिए था वो ले गया, तो कि अमृत भी निकला कि हम पी लिया, हमने पी लिया, अरे अमृत में भाग नहीं देने वाले देव, जहर ही पिलाओगे मेरे को, अरे आप पी जाओ, अरे पर मेरा क्या होगा, आपका जो होगा, लेकिन हमको जीना है, स्वार्थ तो दुनिया देखो ऐसे ही आएंगे, फिर भी आपको जहर पीना पड़ेगा और दूसरे को पाना पड़ेगा, ये बन्ना का आदेश है, मेरा तो है नहीं, और जब काल को नाम का जहर के लिए बोला चलो बाबा तुम जीते हो तो हम जहर भी पीने के लिए तैयार है, और बाबा ने कटोरा लेके पीने लगे, तब पार्वती माए मैया दौड़ी, अरे हरी हर हाय 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 ही करत हरा ससुराल सास कौन मिटे दुख माला को, ये थान है मसान तान कान को धरे कौन लके कौन छला किस छला किस छला को, ये भूसक है भयो भयो कासो कहते साला को, ताको दुख चिनो ना चिनो दुख देवन को, लीतो हा मूलस पीलो हला हलको, बोले ना पी लिया माता पार्वती ने, ठहरो काल को कुनिल कंठ यहां गले में लटका कर बाबा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बाबा जब हम यहां हनुमान जी की आरती हो रही थी बाबा के दरबार में, शिव को जो प्रसन्न करना हो तो हमारा भगवान भोलेनाथ तो ऐसा है, दूसरे को अमृत देके अपने आप जहर भी लेते हैं, और हमारे गुजरात में एक भजन है कि जिन भी जाई दे जहर जी एने कायम लीला ले, एहू नथी कि दुनिया अमृत अमृत लिया दीदा करे ना, हमारे गुजरात में केवत है, सभी जगह अपनी गिनती अच्छी हो वो सही नहीं है, एक आदमी को बोला कि नागदा ये लड़का को ये है तो उसको बोले कि भाई 50 रुपया ये सोनी भाई देता है, 100 रुपया मैं देता हूँ, क्रेडिट दान देता है 100 रुपया, नागदान देता है 200 रुपया, बन्ना देते हैं तो पूछे कि तेरे पास कितना हुआ, तो वो बोले कि 650। अरे भाई कैसे होता है, तेरे को गिनती गलत है, क्यों कि 50 रुपया ये सोनी भाई देते हैं, 100 रुपया क्रेडिट दान देते हैं, 100 रुपया नागदान देते हैं, कितना हुआ कि 250 200 किसने दिया, बन्ना ने दिया कि 450 होता है, तो वो बोले कि 450 आपने दिया लेकिन मेरे जेब में 200 है, मैं थोड़ा गलत बोल सकता हूँ, 650 हुआ ना,
सभी जगह अपनी गिनती अच्छी नहीं होती, दूसरी की भी सुननी पड़ती है। इसलिए भगवान शिव क्या है, कहीं भी गिनती सबड़ी हो बड़ी हो, लेकिन सुलता दे वो शिव है। इसलिए मेरी सबको करपुर प्रार्थना है, ये साध है ना, हम साध इसको बुला लिए, ऐसे प्राण दे साध देवे तो कोई सुने या नहीं सुने, ये 50 फुट 100 फुट आवाज जाती है हमारी, एक मर्यादा है, लेकिन नाद है ना वो ब्रह्मांड को छेद के जा जाती है, अनहद में जा जाती है। तो आज हमारा ये भगवान भोले के दरबार में, शिव के दरबार में साध नहीं है, ये हमारा नाद है, और नाद ब्रह्मांड में कैलाश में जाएगा। ओ भगवान बोले यहाँ नृत्य करता तांडव करता करता, क्योंकि हर जगह लोग जो नाचते हैं तो शादी में नाचते हैं, खुशियों में नाचते हैं, लेकिन भगवान शिव ने जो तांडव किया है खुशियों में नहीं किया। जब 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 दक्ष प्रजापति के वहाँ यज्ञ हुआ था, आप सभी कथा जानते हैं कि वहाँ भगवान शिव के घर से जो माँ सती थी दक्ष की कुंवरी, तो उन्होंने बोला कि विमान कहाँ जा रहा है, तो कि आपके पिताजी के वहाँ यज्ञ है, तो कि हमको जाना पड़ेगा, तो कि नहीं हमको आमंत्रण नहीं है, बुलावा नहीं है, हम कैसे जाए। अरे मैया सती ने बोला कि आप तो नहीं जाओगे, लेकिन मुझे तो जाने दो, मेरा तो बाप का घर है, तो कि जाने में अच्छा नहीं है, सती रहने दो। सती नहीं मानी, गए। क्या हुआ? शिव का अपमान हुआ, शिव का अपमान हुआ, सती ने सहन नहीं किया और अग्नि में कूद गई। सती माँ सती ने अग्नि में आहुति दे दी। तो बाद में आप जानते हैं भगवान शिव को नंदी महाराज ने जाके बोला, भगवान शिव मेरी माता सती ने आपका अपमान सहन नहीं किया और वो अग्नि स्थान कुंड में गिर गिर के प्राण की आहुति दे दी। तते है लट थोड़ी बहा उठी विराल से मोड़ी। इसी वक्त भगवान शिव ने अपनी एक लट की ताकत से ऐसे फेंका और एक वीरभद्र उत्पन्न किया और उनको बोला कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, नाश कर दो। दक्ष का नाश हुआ। भगवान शिव ने जो सती का शरीर था वो उसके कंधे पे लेके जब जब चले, तो जब दाया पृथ्वी पर रखे तो दाई ओर से पृथ्वी जैसे लचक लग गई, जमुना मुके तो दक्षिण में उतर गई। ऐसे भगवान की स्थिति तांडव देख के शुद्धि भूल गए। इसी ताए शिव भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती का 51 टुकड़े किए, जो उसके जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं, आज हमारी 51 शक्तिपीठ है। ये अंबाजी है, माँ का हृदय है, जो हिंगलाज है पाकिस्तान बलूचिस्तान में, वो ब्रह्मरंध्र है, ऐसे सभी कंठ है, मीनाक्षी है, सभी जगह पे। इसी टाइम भगवान से देह की शुद्धि बोले, सती का शरीर कंधे पे लेके जो शिव ने नाचा था वो तांडव है, वो नाचा था वो तांडव है, वो हमारे चारणी साहित्य में क्या कैसे नचाएगा। आज यहाँ भी बोले बाबा नाचेगी, पहले तो उनके पहले गुड़िया भी नाचेगी और मेरे साथ आपको भी गाना पड़ेगा। अंदर से मनो मनो नाच लेना, हमारी मानसिक पूजा हो जाएगी। इसलिए जिसल श्रृंग सम विशाल जटा चूट चंद्र पाल गंग की तरह कुमार विमल नीर राजे
लटकी मत खिला दे
Yeah.